सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आज ना बहुत सारी पतंग लेने जाने वाले हैं, ठीक है। सो क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ इस व्लॉग। अभी से ना कुछ टाइम पहले ना मेरा एक कुरियर आया है ना, मतलब इससे पहले ना मैंने ऑर्डर किया था, ये मैंने 8 अगस्त को ऑर्डर किया था ये कुरियर। ये एक गीता है बुक, ठीक है। तो मुझे बहुत प्यारा गीता था, क्योंकि ना अभी से मुझे, वैसे मैं जानते नहीं थे सारी क्या चीज़ें थे, लेकिन जब लॉकडाउन लगा था ना तो उसमें मैंने रामायण की पूरी बुक पढ़ी, ठीक है, रामायण हो गया, गीता हो गया, तो मुझे ना काफ़ी इंटरेस्ट आ गया। तो मैंने ना ये वाली बुक ऑर्डर की थी, तो इसको मैंने खोला भी था, देखो दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये वाला गीता। तो मैंने इसको ना ऑर्डर किया था ना, ऑर्डर करने के बाद ना बंदा तो आ गया, लेकिन वो ना पसल हो गया था कि भैया एड्रेस कौन सा है। तो लेकिन फाइनली मैंने ये बुक मंगा ली है, तो अब मैं इसको रीडिंग करूँगा। मैं ना अभी यहाँ से जा रहा था, तो पीछे ना वो देखो गमले वाले भैया जा रहे हैं ना, तो गमला वगैरह भी दे रहे थे, तो फिर मैंने कहा गमला वगैरह, क्योंकि हमारे पास ना तुलसी का पौधा पड़ा हुआ, जैसे पौधे देख लो ना कितने प्यारे लग रहे बाहर, तो हमारे जो कह रही है ना, मैं भी सोचता उसके अंदर लगाऊँ, तो मैंने गमला ले लिया, गमले में खाद वगैरह भी डाल दी है, ठीक है, और मिट्टी वगैरह भी। तो अब घर जाऊँगा ना शाम को, तो उसके अंदर मतलब लगा के ना मतलब सेट कर दूँगा, और तुलसी को ना पानी वगैरह दूँगा। इससे पहले मैं एक पौधा है तो उसको हमने डेली पानी दे देगा ना, सूख गया है, ठीक है। तो हमने चाहते मैंने इसका पानी का प्रोसेस भी पूछ लिया, कैसे कैसे डालना है, तो ये सब अब इसको धीरे धीरे तुलसी का पौधा बनाएंगे। मनीष आ चुका है, देख रहे हो यहाँ पे बैठा हुआ है। गाइस मनीष देख रहे हो खाने के लिए रो रहा है, इसको हमने खाना नहीं दिया, तो कह रहा खा ले, कैसे खा ले, हम चला चलते खाने। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं लंच करने, ठीक है, लंच का टाइम हो चुका है। मनीष देखो जाग चुका है, कह रहा चलो भैया आप वीडियो बना रहे हो, तो कोई नहीं खाना खा लेते। सो गाइस खाना खाने जा रहे हैं हम लोग, दिखाते हैं हमारा खाना। सो गाइस अब हम जा रहे हैं खाना खाने, ठीक है, लेकिन मनीष का फोन बिल्कुल नहीं है खाना खाने का, तो वो जा रहा है अपने अपना सिर्फ चाय बनाएगा और चाय पिएगा। देख सकते हैं मनीष है ना, मतलब अभी चाय छन्नी साफ कर रहा है, चाय छन्नी साफ करने के बाद चाय बनाएगा। कहाँ पे पहले अंडे खाने, हाँ अंडे लेकिन टेस्टी होते। सो गाइस देख सकते हैं आप, मनीष यहाँ पे चाय बना रहा है। आज हमारे ना चाय वाले दोनों बर्तन बिजी है, तो इसीलिए हमें ये छोटी सी कढ़ाई में बनाना पड़ रहा। सो गाइस आज लंच में ना बड़ी अद्भुत चीज़ है, बड़ी यूनिक चीज़ है। यूनिक क्या है, आज है हमारे पास दूध है, और ना मतलब ऐसे तो सुबह का खाना हो चाहिए, लेकिन हम लंच कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इधर करेले की भुजिया है और रोटी है, ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ लंच करते हैं। अब हम लोग ना जा रहे हैं पतंग लेने के लिए, तो पहले हमें जाना पड़ेगा मनीष के यहाँ, और मनीष ने देखिए स्टूटी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और मनीष ना भी अकेडमी सीधा सीधा आया हमारे घर से, तो चाय वाय पी के अब हम सीधा जा रहे हैं मनीष के घर, वहाँ से उठाएंगे हम चरखरा, और चरखरा लेके सीधा जाएंगे हम पतंग की दुकान के पास। अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने, क्योंकि हमारी स्कूटी में ना पेट्रोल ख़त्म हो गया है, ठीक है। और हमें ना इसके बाद अभी दूर जाना, कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर जाना, 5-6 किलोमीटर दूर से वापस भी आना, तो हम तो रिस्क नहीं ले सकते कि अगर हम जाए पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो बीच में कोई पेट्रोल पम्प भी नहीं है। तो अभी हम यहीं पर पास में पेट्रोल पम्प है, तो हमने कहा यहीं से टंकी मतलब पेट्रोल डलवा लेते हैं, और डलवाने के बाद फिर हम जाएंगे मनीष के घर, और देन उसके बाद जाएंगे पतंग लेने। हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पम्प पर, डलवा लें किसी भी अंकल से, यहीं से डलवा लें। तो देखिए गाइस मनीष मीटर उठा रहा है, मीटर उठ चुका है राइट हैंड पे। सो गाइस हमने डलवा लिया है पेट्रोल, यहाँ से डलवाया हमने पेट्रोल, डलवाने के बाद अब हम जा रहे हैं मनीष के घर की ओर, हाँ आगे सीधा सीधा। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं पतंग लेने, तीन बंदे, हर्षित है, मनीष है और मैं हूँ। और गाइज हम लोग आ चुके पतंग की दुकान पे, देख रहे हैं कितनी भीड़ है, मतलब हमें तो घुसने की जगह नहीं मिल रही, कहाँ घुसे कहाँ नहीं पता नहीं लग रहा। और ये देखो पतंग, मतलब इतनी तो वेस्ट हो गई, अंकल 50 रुपये का माल तो नीचे वेस्ट हो गया। सो कोई नहीं, देखते हैं जगह मिलेगी ना तो कहीं ना कहीं से घुसेंगे, कोरोना का टाइम चल रहा है इसलिए हम अकेले घुसेंगे आराम से। पीछे ना मतलब पतंग की दुकान है ना, तो उसमें मतलब भीड़ बहुत सारी है, और मतलब इसमें ना मांझा वांझा भर नहीं रहे, तो वो मतलब बंदा बंदा इकट्ठा दे रहे, तो अभी हम वो ले नहीं सकते, तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी तरफ दुकान है। तो
गाइस जो मेरी स्कूटी थी ना उसका मतलब आगे का जो मरगार्ड है ना ये देखो मतलब कैसे कितना चूर हो रहा, मतलब पूरा गल गया था। तो मैं इधर पतंग लेने आया, फिर मैंने सोचा भाई ये भी करा लेता हूँ काम, क्योंकि ये भी ज़रूरी है ना। देखो किस कितना बुरी हद तक मतलब जंग खा चुका है और ऐसा हो रहा है कितना सारा पूरा देख रहा हूँ। तो ये मैं पूरा वेल्डिंग कराने वाला हूँ, वेल्डिंग कराने के बाद देन इसको पैक करके फिर हम लोग चलेंगे घर। सो गाइस हम लोगों ने ना अभी स्कूटी पतंग लेने आए थे, स्कूटी का आगे का मरगार्ड टूट गया था, तो मरगार्ड भी ठीक कराया, टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया हमारा। सो अब हम जा रहे हैं घर, कल उड़ाएंगे पतंग, ठीक है। इधर हर्षित भाई है, मनीष भाई है। अभी जो वक्त हो रहा ना वो रात के 11 बज चुके, ठीक है गाइज। सो 11 बज चुके, तो मेरा अभी डिनर का टाइम हो चुका है। डिनर में है आज चावल है, दूध है और करेले की भुजिया है। सो गाइज ये मेरा डिनर है आज का, ठीक है। सो आज की व्लॉग में ना मैंने बड़ी मस्ती की, पतंग लेने गया और स्कूटी की ना थोड़ी सी मतलब आगे वेल्डिंग वगैरह थी तो वही मैंने ठीक करा। मतलब आज ना मतलब कुछ एक टाइम मेरा वेस्ट हो गया स्कूटी में, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी ज़रूरी था। सो फाइनली आज हो गया, दो से तीन दिन में टाला टोली चल रहा था। सो गाइज आज ना मेरा बर्थडे भी है ना, स्पेशल है, क्योंकि 14 अगस्त को मैं हो जाऊंगा 24 साल का, ठीक है। सो अभी मैं रात भर जगूंगा, वेट करूंगा, कॉल आएगा दोस्तों का, ठीक है, देखता हूँ कितने लोगों का कॉल आता है, ठीक है गाइज। सो गाइज अपने इस व्लॉग को मैं यहीं पे करता हूँ एंड। आई होप आपको मेरी ये व्लॉग अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी अगले व्लॉग्स में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड बाय।